बहुत ही खतरनाक आवाज आ रही है इसमें से। ये जलपरी बनाई हुई है इन्होंने। Assalamualaikum, welcome back to my channel, घूमो फिरो मज़े करो। और आज हम लोग मज़े करने के लिए कहाँ आए हैं बताती हूँ, चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी तो हाइलाइट्स आप लोग देख चुके हैं और आज हम जा रहे हैं फतेह पार्क, जो कि ज़ियाउद्दीन के अपोजिट साइड पे है। इसके अलावा एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी एंड यहाँ की एंट्री टिकट बिल्कुल फ्री है एंड ये बाहर से तमाम चीज़ें आपको मिल जाएंगी और आप लोग खूब इंजॉय करेंगे। ऐलान मैं आप लोग तक पहुंचा देती हूँ कि अपने सामान और बच्चों की खुद हिफाजत करें। और यहाँ पे इतना खूबसूरत ये व्यू एक लग रहा था मुझे, इतना हसीन मौसम हो रहा था जबकि इतनी गर्मी थी शदीद दिन में, और आइडिया नहीं था कि हम जाएंगे इतना अच्छा खूबसूरत मौसम मिल जाएगा, फिर बस पार्क जाएं और ये सारी चीज़ें ना खाएं, ऐसा हो नहीं सकता। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो कि मेरे चैनल पे न्यू है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट करें, शेयर करें वीडियो को अगर आप लोग का आज के लिए पसंद आए। अगर आप लोग इस पार्क में जाएं और आप लोग का अच्छा एक्सपीरियंस हो तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत व्यू था, इसके अलावा यहाँ खूब बच्चे इंजॉय कर रहे हैं, असल मज़े तो बच्चों के ही हैं। और इसके अलावा रश देख सकते हैं आप लोग चारों तरफ कितना है, ये तो अभी सिर्फ मैं एंट्रेंस पे दिखा रही हूँ, इससे आगे भी बहुत ज़्यादा जो है ना रश था और पार्क जो है काफ़ी बड़ा है, तो बस बहुत मज़ा आने वाला है आप लोगों को। यहाँ पर आपको फूड आइटम भी सब मिल जाएंगे आपको, यहाँ पे गोलगप्पे, बर्गर, फ्राइज, ये चीज़ें मैंने देखी थी ये तो मिल ही जाएंगे। इसके अलावा और भी फास्ट फूड वगैरह इनके पास है एंड यहाँ पे छोटी सी डाइनिंग एरिया भी इन्होंने बनाया हुआ है। तो बस यहाँ पे जो है इसकी बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ थी जो कि मैंने शुरू में आपको बताया एंड यहाँ पे बच्चे खूब इंजॉय कर रहे थे। और इसके अलावा यहाँ के रेट बहुत मुनासिब लगे मुझे तमाम झूलों के एंड ये इतना खूबसूरत था बिल्कुल यहाँ पे जाके ना आपको समंदर याद आ जाएगा जैसे इस तरह उन्होंने बनाया। और ये एक नहीं दो तीन यहाँ पे राइड्स ऐसी ही थी, इसी थीम में थी। एक ये ट्रेन भी है इस टाइप की, एक और झूला एक ये है, ये जलपरी इन्होंने बनाई हुई है। तो मेरा भाई इतना मजाक उड़ा रहा था, कहता है ये जलपरी है इसलिए बनाई हुई है लोगों ने ताकि कोई बच्चा गिरे तो ये पकड़ ले। सो फनी, आई नो पता नहीं आप लोग को हंसी आएगी नहीं, पर मुझे तो बहुत हंसी आती है अपने भाई की बातों पर। इंशाल्लाह जल्दी अपने भाई को मैं लेके आऊँगी, आता नहीं है वो पर मैंने सोचा है कि उसे लेके आऊँ क्योंकि उसकी इतनी मज़े की बातें हैं, इतना मज़ा आता है उसके साथ, तो आप लोग भी खूब इंजॉय करेंगे। और यहाँ पे बच्चों के अलावा बड़ों के लिए भी काफ़ी झूले हैं, जैसे कि ये कश्ती थी यहाँ पे, इसके अलावा डोजिंग कार है यहाँ पे एंड ये जो सामने ये कप वाला झूला है इसमें भी बड़े बैठ सकते हैं एंड यहाँ पे और भी काफ़ी झूले थे, मैं आपको साथ साथ वीडियो में बताती रहूँगी। इसके अलावा ये एक बहुत बड़ा एरिया बना हुआ है छोटे बच्चों के लिए, यहाँ पर टोकन वाले काफ़ी सारे झूले थे बट हम लोग अंदर नहीं गए क्योंकि कोई बच्चा ही साथ नहीं था एंड यहाँ पे ये आइसक्रीम वाले भाई जो कि बचपन में बहुत खाई है, अब तो खैर काफ़ी टाइम हो गया ये वाली आइसक्रीम नहीं खाई एंड ये झूला चलते हुए देखा था, ये बहुत तेज़ चल रहा था और ये काफ़ी अच्छा लग रहा था बट मैं तो तेज़ झूलों में बैठती नहीं हूँ तो इसलिए हम लोग ने ये ट्राई नहीं किया। इनफैक्ट हमने कुछ भी ट्राई नहीं किया क्योंकि हमने यहाँ से खाना खाने के लिए जाना था, तो फिर इस वजह से हम लोगों ने कुछ भी ट्राई नहीं किया एंड ये यहाँ पर डोजिंग कार स्पेस काफ़ी अच्छा था डोजिंग कार का। एंड लास्ट में यहाँ पे मैं आपको सामान के प्राइस दिखा रही हूँ, अगर आप लोग को मेरी आज की वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर मस्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।